Hello all, I'm back with one more new lecture for you. In the last lecture, what I taught you, you must remember. मतलब मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो आपको याद होगा, ठीक है? आपको पढ़ाया गया था कि जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं उसको मेरी भाषा में, मेरे टर्म्स में, मेरी टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं क्या, एक्टर। मीन्स जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप अभी तक ग्रामर में बोलते हैं सब्जेक्ट, लेकिन मेरे टर्म्स में, मेरी टर्मिनोलॉजी में उसको बोला जाता है क्या, एक्टर। ओके, वन पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज दैट जिसको आप आज तक क्या बोलते हैं, वर्ब। आप बोलते हैं वर्ब, वर्ब को मैं बोलता हूं एक्शन, यानी कि जो काम होते हैं, जो एक्शन, जो वर्ब्स होती हैं, जो क्रिया होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन, मेरे अनुसार। सो गो, प्ले, रन, स्लीप, स्कोल्ड, ईट, ड्रिंक, ये क्या है आपके हिसाब से वर्ब, ग्रामर के हिसाब से वर्ब है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है क्या, एक्शन। टू पॉइंट। पॉइंट नंबर थ्री, हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप आज तक बोलते आए हैं हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ड होता है टाइम टेलर। मेरी टर्म्स में उसको मैं, या मेरी टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं टाइम टेलर। आपके हिसाब से या ग्रामर के हिसाब से इज, एम, आर, विल, कैन, शुड, ये मॉडल्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कहलाते हैं टाइम टेलर। टाइम टेलर क्यों कहते हैं इनको, इसका मैं आपको आंसर देता हूं। देखो, इज, एम, आर, प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट का टाइम पता चलता है। विल, फ्यूचर की बात करता है, तो फ्यूचर की पता चलता है हमें, फ्यूचर के टाइम की बात हो रही है। आई विल गो, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आई एम गोइंग, यानी कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं वॉज वर की बात करूं, दे वर प्लेइंग, ये पास्ट की बात करता है। तो इज, एम, आर, प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट, और विल, ये फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स है ना, जब भी इनको हम यूज करते हैं, बेशक ग्रामर में इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं टाइम टेलर। मतलब ये हुआ कि जब भी हम बात करेंगे किसी भी सेंटेंस को बनाने की, जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, एक चीज। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, अभी पढ़ाया मैंने आपको, एक्टर। हेल्पिंग वर्ब को मेरे अकॉर्डिंग बोला जाता है टाइम टेलर, ओके, और वर्ब को बोला जाता है एक्शन। ये किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहला वर्ड होगा एक्टर, उसके बाद होगा टाइम टेलर, उसके बाद होगा एक्शन, और लास्ट में अगर पूछा जाए तो एक्स्ट्रा वर्ड। यहां आप लगाते आए हमेशा फ्रेजेस, इसको हम बोलते हैं phrase, ग्रामर में बोलते हैं इसको फ्रेज। बताऊंगा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा वर्ड क्या होता है। देखते हैं जरा, जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा, तो आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और गो वर्ब है, राइट। ऐसे ही आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो आई एक्टर हो गया, विल टाइम टेलर हो गया, गो एक्शन हो गया। मैंने कहा मैं मंदिर जाऊंगा, तो आई विल गो टू टेम्पल, तो टू प्लस टेम्पल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा वर्ड। तो आपको चार चीज याद रखनी है कि एक्टर क्या है, टाइम टेलर क्या है, एक्शन क्या है, और एक्स्ट्रा वर्ड क्या है। टुडेज लेक्चर, द यूज ऑफ विल का प्रयोग कहां होता है, देखते हैं जरा। पहला जो यूज है वो क्या है, देखते हैं जरा। फ्यूचर के लिए आता है, सभी जानते हैं, भविष्य के लिए, नंबर दो प्रॉमिस के लिए, नंबर तीन ऑफर के लिए, नंबर फोर प्रोडक्शन के लिए, और नंबर फाइव कंडीशनल्स के लिए। तो मैंने देखो जरा, नंबर वन को लिखा है मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर में, है ना, और बाकी टू थ्री फोर फाइव इसको मैंने एक डिफरेंट कलर में लिखा है, क्योंकि 95% केसेस में आप विल का जो प्रयोग करते हैं वो फ्यूचर के लिए ही करते हैं। फिलहाल देखते हैं जरा, जब भी भविष्य की बात करें तो विल लगाता है, तो तुमने कहा मैं खेलूंगा, मैं यहाँ पे हो गया एक्टर, विल हो गया यहाँ पे टाइम टेलर, और यहाँ गो हो गया, प्ले हो गया क्या, एक्शन। तो तुमने कहा आई विल, है ना, प्ले या गो या कुछ भी आपका एक्शन हो सकता है। तुमने कहा मैं ग्राउंड में खेलूंगा, आई विल प्ले इन ग्राउंड, तो ये आपका हो गया क्या, दिस इज वॉट, दिस इज योर सेंटेंस, ओके। अब यहां एक चीज देखें, अगर इसको नेगेटिव में बनाऊं कि मैं नहीं खेलूंगा, तो बन जाएगा आई, सेम सेंटेंस रहेगा, आई विल नॉट, विल नॉट को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, या तो विल नॉट बोलो, आई विल नॉट प्ले, एक तरीका। लेकिन विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, क्या बोलते हैं हम, डब्ल्यू ओ एन टी, ठीक है, वॉन्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको वॉन्ट बोलते हैं, कुछ वॉन्ट बोलते हैं, तो ओ साउंड होता है, ओ साउंड नहीं होता है। रिपीट करो मेरे साथ, वॉन्ट, जैसे कहते हैं ना कि ये और वो, ये और वो, तो वही वाला वो, वोंट, बोलो वोंट, तो मैं नहीं खेलूंगा, आई वोंट प्ले, क्या बनेगा, आई वोंट प्ले, मैं ग्राउंड में नहीं खेलूंगा, आई वोंट प्ले इन ग्राउंड। तो फिलहाल मैंने आपको पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या है, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ग्रामेटिकली, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर की बात करेंगे तो विल लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले एक्टर आएगा, उसके बाद विल,
मतलब टाइम टेलर के नाम पे विल आएगा, उसके बाद एक्शन और लास्ट में आएगा एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे कि यहाँ पे इन ग्राउंड क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड। मैंने कहा मैं खेलूंगा सुबह को, इन मॉर्निंग, तो इन एम फॉर मॉर्निंग, आई विल प्ले इन मॉर्निंग। यहाँ पे इन मॉर्निंग क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड। क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड। देखो जरा, तो यहां हम आ गए एक स्टेडियम में, ठीक है। आप सोचो कि भविष्य का सीन है, मतलब अभी तो आप मेरे साथ सीख रहे हो ना, भविष्य में यानी कि कल या परसों या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ आप एक मैच देखने जाओगे, क्रिकेट मैच, चाहे वो आईपीएल हो सकता है, चाहे वो इंडिया या वैसे इंडिया का फ्लैग है तो यानी कि इंडिया का मैच है, ठीक है, आईपीएल मैच नहीं दिखाई दे रहा है। तो तुमने कहा कि मैं भविष्य में, अब मैं हिंदी बोलूंगा तो मैं मैच देखने जाऊंगा, मैं वहां मजे करूंगा, मैं वहां एंजॉय करूंगा, ये तो हिंदी है। एक काम करो, कुछ मत करो, आई लगाओ, विल लगाओ और सीधा एक्शन लगा दो। कैसे, तुमने कहा मैं खेलूंगा, इधर आ जाओ जरा, दोबारा से ले लेते हैं, उसी बार आते हैं दोबारा से। आई विल, दो चीज तो आपको बोलने बिना सोचे, बिल्कुल मत सोचो कुछ भी, आई विल बोलो और सीधा जो भी एक्शन है ना उसको इधर सीधा लगाने की कोशिश करो, सीधा बोलने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप आई बोलेंगे, विल बोलेंगे और जो भी एक्शन है उसको सीधा बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं जरा, देखो तो आई विल, ये क्या है, ये जो मैंने, ठीक है, माइनस साइन लगाया, विल के बराबर है। तुमने कहा आई विल सी, मैं देखूंगा, क्या देखूंगा, मैच। अगर ग्रामेटिकली लोगे तो भाई यहां पे हो जाएगा ये अ मैच, चलो छोड़ो फिलहाल, आई विल सी अ मैच, आई विल, विल क्यों लगाना फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो बोलो जरा मनी मनी सुनो, मैं मैच देखूंगा, आई विल सी अ मैच, ठीक है। अब तुमने कहा कोहली इंडिया खेलेगी, अब यहां पर कौन है, सब्जेक्ट हो गया यानी कि एक्टर हो गया इंडिया, ठीक है, फ्यूचर का सेंटेंस था, विल लगा दो, प्ले इंडिया विल प्ले, ठीक है। अब किसको खेलेगी, मैच को, इंडिया विल प्ले मैच। अब आओ जरा, मैं मैच देखूंगा, आई विल सी मैच, आप वॉच भी बोल सकते हो, अगर टीवी पे देखोगे तो वॉच, ठीक है, और वैसे बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, आई विल सी मैच, टीवी पर भी सी मैच ही होता है। हाँ, अगर आप बोलोगे मैं टीवी देखूंगा, आई विल वॉच इजेट बॉक्स, उस सेंस में बोल सकता है, टीवी अगर लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड है तो आप वॉच लगाओगे, अदरवाइज आई विल सी मैच ही बोल सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, बाद में पढ़ा दूंगा उस चीज को भी। तो मैं मैच देखूंगा, सी मैच, मेरा भाई मैच नहीं देखेगा, माय ब्रो, है ना, विल नॉट, विल नॉट क्या बोलते हैं हम, ये डब्ल्यू ओ एन टी, यानी कि वोंट सी मैच, ये बात समझ में आती है। एक्स्ट्रा वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, मैच, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, आगे आते हैं। In the last session, I taught you what is the structure of a sentence. जब बात करते हैं फ्यूचर की तो हमारे पास एक टाइम वर्ड होता है, उसका नाम होता है will. क्या नाम होता है उसका, will. ठीक है, तो रोजाना आपको एक टाइम वर्ड पढ़ाया जाएगा, कभी will, कभी can, कभी should, लेकिन आज का जो टाइम वर्ड है वो will पढ़ा रहे हैं आपको। देखो जरा, इधर देखते हैं, जब बात करते हैं फ्यूचर की, जैसे हर इंसान अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप भविष्य में जीते हैं, इवन मैं भी भविष्य में जीता हूं, प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन भविष्य की प्लानिंग जरूर करते हैं, तो मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, बच्चा कहता है, या आप कहते हैं कि कल मैं ये करूंगा, नेक्स्ट ईयर मैं घर खरीदूंगा, और उसके बाद आप कुछ बच्चे जो होते हैं या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर आप लोग स्टूडेंट्स ही हैं ना, तो क्या कहते हैं, पहले मैं ग्रेजुएशन करूंगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, फिर एक अच्छी सी जॉब लूंगा, उसके बाद मैं सुंदर सी एक लड़की से नहीं, सुंदर सी लड़की से नहीं, सुंदर सी एक क्या, सुंदर सी जगह पर एक बंगला खरीदूंगा, ठीक है, और जब बंगला खरीदूंगा उसके बाद में सुंदर सी, बहुत ही सुंदर सी क्या लड़की, लड़की नहीं, मैं लड़की, बहुत ही सुंदर सी एक कार खरीदूंगा। चलो, तो कार खरीदने के बाद फिर क्या होगा यार, फिर क्या होगा, कार तो दहेज में भी आ जाती है, नहीं नहीं दहेज पे दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना केवल अपनी मेहनत पे, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, टुमारो शेड्यूल, आपका कल का प्रोग्राम क्या है, टुमारो प्रोग्राम या टुमारो शेड्यूल, तो आप बोलोगे मैं उठूंगा, उठना क्या होता है, गेट अप, देखो जरा, गेट अप, गेट के साथ आप लगाएंगे तो हिंदी हो जाएगी उठना, तो मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, ऐसे ही मैं उठूंगा, आई विल गेट अप, ठीक है। तो मैंने कहा मैं 7 बजे उठूंगा, कितने बजे, 7 बजे, तो आई विल गेट अप एट 7, तो यहाँ पे एट क्यों आ रहा है, एट आ रहा है टाइम के लिए, किसी भी नंबर से पहले अगर एट आ जाए तो समझ लीजिए टाइम की बात हो रही है, किसी नंबर से पहले अगर ऑन आ जाए तो समझ लीजिए डेट की बात हो रही है, तारीख की बात हो रही है। किसी ने कहा आई विल गेट अप एट ऑन 7, मतलब वो कह रहा है कि मैं 7 तारीख को उठूंगा, आज सो गया और 7 तारीख को उठूंगा, ठीक है। कहीं लिखा है एट 11, मतलब होता है 11 बजे, कहीं लिखा हुआ है ऑन 11, तो मतलब हो गया 11 तारीख को, मतलब ये हुआ किसी नंबर से पहले एट आएगा तो सेंस होगा टाइम, और अगर किसी नंबर से पहले ऑन आता है तो उसका सेंस होता है डेट, क्लियर है।
तो आपने कहा मैं उठूंगा, आई विल गेट अप कितने बजे, एट 7, 7 बजे, ठीक है। तुमने कहा मैं होऊंगा, पहले होने की इंग्लिश देखते हैं। होने के लिए वर्ड होता है बी या गेट, क्या होता है बी या गेट में से कोई सा भी एक वर्ड होता है। तो मैं होऊंगा, आई विल बी स्लैश गेट आई क्या फ्रेश, ठीक है, आई विल गेट फ्रेश, ठीक है। चलो बोलो दोबारा से, मैं उठूंगा आई विल गेट अप, मैं होऊंगा आई विल गेट, कैसा होऊंगा मैं फ्रेश, आई विल गेट फ्रेश। आप गेट के लिए बी भी लगा सकते हो। Now, उसके बाद क्या होगा, मैं ब्रश करूंगा, तो आई विल, बोलो बोलो आई विल ब्रश, ब्रश हो जाएगा। उसके बाद तुमने कहा उसके बाद, इंग्लिश में बोलेंगे उसके बाद, देखो जरा आफ्टर दैट, उसके बाद तो क्या बोले इंग्लिश में आफ्टर दैट, तुमने कहा उसके बाद आफ्टर दैट मैं नहाऊंगा आई विल बाथ। तो बात कह सकते हो, यह बी ए टी एच ई बेद भी आप कह सकते हो, एक ही बात है बात या बेद, ठीक है। अब नहाने का क्या होगा सर, फिर मैं पूजा करूंगा तो आई विल वर्शिप, अगर आप मुस्लिम है तो आई विल पे द नमाज, ठीक है, अदा करना, मैं अदा करूंगा आदिल पे, क्या नमाज, क्या करूंगा अदा नमाज, आदिल पे था नमाज। उसके बाद क्या होगा, तुमने कहा फिर, अच्छा एक वर्ड होता है फिर या तब, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टी एच ई एन, देन तुमने कहा फिर मैं ब्रेकफास्ट लूंगा, तो लेने के लिए टेक आता है, लेने का तो टेक, खाना खाने के आप टेक लगा सकते हो, आई विल टेक क्या ब्रेकफास्ट, आई विल टेक ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट किया, तुमने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, अब मैं जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन टू स्कूल क्यों आ रहा है भाई, किसी भी स्थान से आप जुड़ो, कोई भी स्थान होता है उससे जुड़ने के लिए हमेशा टू का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, किसी भी स्थान से जुड़ना है तो टू का प्रयोग होगा, लेकिन किसी स्थान से दूर जाएंगे तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो तुमने कहा मैं स्कूल जाऊंगा बिल्कुल टू स्कूल, तुमने कहा मैं हॉस्पिटल जाऊंगा आई विल गो टू हॉस्पिटल, आप अगर बिजनेस मैन हो तो क्या बोलेंगे, मैं शॉप पे जाऊंगा आई विल गो टू शॉप, तुमने कहा मैं ऑफिस में जाऊंगा आई विल गो टू ऑफिस, तो किसी भी स्थान से जुड़ने का टू का प्रयोग होता है, राइट। नाउ फिर तुम्हें कहा मैं काम करूंगा, काम करना क्या होता है वर्क, बोलो मैं काम करूंगा, आए बोलो 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 बोलो, अरे एक लगेगा घुमा के, आई विल वॉक, मैं वहां काम करूंगा आई विल वॉक देयर, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या बोलोगे, मैं वहां पढ़ूंगा, क्योंकि आप स्कूल पहुंच गए हो, तो आई विल स्टडी देयर, ठीक है, वर्क देयर या स्टडी देयर। अब तुमने कहा मैं लौटूंगा, लौटना क्या होता है आई विल रिटर्न, ठीक है, ये फिर आप बोल सकते हो मैं वापस आऊंगा, बोलो पहले बोलो मैं आऊंगा आई विल कम, बोलो मैं वापस आऊंगा तो आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, ठीक है, कहाँ हूँ मैं घर पे ना, आई विल कम बैक टू होम, आई विल कम बैक टू होम, ठीक है। तो टू, अब यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे क्योंकि होम से पहले टू नहीं आता, क्यों नहीं आता, इसका आंसर दे रहा हूं, आप दुनिया में कभी चले जाओ, जो इंसान चंद्रमा पे पहुंच जाता है ना, चांद पे मून पे, उसके बाद भी लास्ट में कहाँ आता है, वो घर पे आता है लास्ट में, ठीक है, आप वो पृथ्वी पे आएगा, फिर अपने नासा सेंटर पे जाएगा, उसके बाद लास्ट में जाएगा घर पे, तो इंसान कहीं भी चला जाए लास्ट में घर पे तो उसको आना ही होता है, तो इसलिए अंग्रेज लोग होम के लिए टू नहीं लगाते, बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ टू लगेगा, ठीक है। तो मैं घर आऊंगा आई विल कम टू होम होना चाहिए, लेकिन टू नहीं लगाते, उनसे आई विल कम होम, तुमने कहा मैं रेस्ट करूंगा आई विल रेस्ट, तुमने कहा मैं चेंज करूंगा तो आई विल चेंज, क्या बदलूंगा कपड़े, आई विल चेंज माय क्लोथ्स, नया वर्ड पढ़ लो, आई विल चेंज माय अपैरल्स, ओके, तो मैं फिर कपड़े बदलूंगा आई विल चेंज माय अपैरल्स। तुमने कहा मैं एक किप, KIP, किप एक वर्ड होता है, किप का मतलब होता है तो बस स्लीप मैंने सुना होता है, एक होता है झपकी लेना, तो तुमने कहा मैं झपकी लूंगा आई विल किप, क्या बोलेंगे आई विल किप, ठीक है। तुमने कहा शाम को, शाम को हिंदी में बोलते, लेकिन इंग्लिश में होगा शाम में, इन द इवनिंग, क्या बोलेंगे इन द इवनिंग, तो शाम को या शाम में इन द इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने दी क्यों बोला है, दा क्यों नहीं बोला, देखो जरा किसी वर्ड की शुरुआत अगर वाउल से होती है ए ए आई ओ यू, उससे पहले अगर टी एच ई आता है तो उसको दी पढ़ते हैं, अगर किसी वर्ड की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से होती है उससे पहले टी एच ई आता है तो उसको दा पढ़ते हैं, जैसे कि द कैट द बैट द रैट, लेकिन द एलिफेंट द ईगल और The evening, क्लियर है। तो मैंने दी क्यों बोला, इसका आंसर दे दिया, तो मैंने कहा शाम को, तो ऑन द इवनिंग गलत होता है, इन द इवनिंग, ठीक है। तुमने कहा इन द इवनिंग मैं जाऊंगा खेलने, आई विल गो टू प्ले, अब यहां पर टू क्यों आ रहा है, एक तो टू था किसी स्थान के पास जाने के लिए, दूसरा टू जो आ रहा है दो एक्शन को जोड़ने के लिए भी टू का प्रयोग होता है, गो माने जाना, प्ले माने खेलना, दो एक्शन हो गए, दो बार हो गई, दोनों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है, क्लियर है। अब ये तो नहीं है कि यार जोड़ने के लिए हर चीज फेविकोल से जुड़ जाती है, अरे यार फेविकोल से तो चीजें जुड़ती हैं, वो तो कुछ और होते हैं, दो तो टेबल होती है या कुछ और होता है, ठीक है, फर्नीचर होता है, ठीक है, और करीना कपूर का जो फोटो है वो सीने से कैसे चिपकता है, फेविकोल से, जो छोटी बड़ी चीजें टूटती है वो किससे चिपकती है, फेविस्टिक से, किससे चिपकती है, फेविस्टिक से या फेविक्विक से, लेकिन भाई दो एक्शन के लिए क्या आएगा, दो चीज जोड़ने के लिए क्या लाओगे, आटे के ले लाओगे, फेविकोल लेकर क्या आओगे, क्या क्योंकि लेकर क्या होगा, क्या नहीं, आपको लगाना पड़ेगा टू, दो एक्शन जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है, तो बोलो मैं खेलने जाऊंगा आई विल गो टू प्ले, ठीक है, मैं खेलने आऊंगा आई विल कम टू प्ले, मैं लड़ने आऊंगा लगा दूंगा आई विल कम टू फाइट, ठीक है।
अब तुमने कहा मैं खेलने जाऊंगा, आई विल गो टू प्ले, तुमने कहा मैं लौटूंगा, आई विल रिटर्न, या फिर आई विल कम बैक, कहां पे, घर पे, आई विल कम बैक होम, टू नहीं लगाना है, ठीक है, आई विल कम बैक होम और मैं डिनर करूंगा, आई विल ईट, या अच्छा ईट की जगह आप केक लगा सकते हो, ईट और ड्रिंक की जगह केक लगाया जा सकता है, क्लियर है। मान लो आपके घर पे आपके कोई आता है, तो मान लो मैं आपके घर पे आता हूँ, मैंने कहा आपने मेरे सामने समोसा रख दिया, खाने की चीजें रख दी, मैंने कहा मैं तला हुआ नहीं खाता हूँ, तो आई डोंट टेक फ्राइड थिंग्स, आपने बोला सर प्लीज लो ना, सर लो ना, अब एक तो ले लो समोसा, तो एक ले लो, एक लेने का मतलब क्या, लेके अपनी जेब में लेके घर ले जाओ, जेब में लेके घर ले जाओ, मतलब नहीं, लेने का मतलब खाना है, तो ऐसे इंग्लिश में लेना टेक खाना ईट, तो आप हिंदी में खाने की जगह लेना लगाते हो, तो इंग्लिश में ईट की जगह आप क्या लगा सकते हो, टेक, पीने के लिए भी लगा सकते हो, मैंने कहा मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मैं तो थोड़ी सी बस हल्की सी कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा, लेने का मतलब क्या है, मैं घर पे ले जाऊंगा बोतल को, नहीं लेने का मतलब पीना है, ठीक है, तो मैं लूंगा, आई विल ईट, आई विल ड्रिंक, आई विल टेक, तो आई विल टेक, तुमने कहा आई विल टेक डिनर, और मैं टीवी देखूंगा, आई विल वॉच, या आई विल सी अ लुक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देखने के तीन वर्ड होते हैं, सी होता है, लुक होता है, वॉच होता है, यहाँ पे क्या लगाऊं, भाई नॉर्मली देखते हो तो सी आता है, निगाह को पलट तो देखते हो तो लुक होता है, देखो नॉर्मली आप देख रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई भी चीज दिखाई देती है, आप लुक बोलते हो, मैंने उसको वहां पर देखा था, सी बोलते हैं, आई सॉ हिम देयर, ठीक है, नॉर्मली देखना सी होता है, लेकिन निगाह को पलटते हुए देखना, जैसे कि ये ये ये, तो जब निगाह को पलटते हुए देखते हैं तो लुक हम यूज करते हैं, लेकिन जब किसी चीज को गौर से देखते हैं तो वॉच का प्रयोग करते हैं, क्लियर है, जब आप कोई चीज गौर से देखते हो, मान लो आप देखो कोई मूवी, ठीक है, हॉरर मूवी देख रहे हो, उसको क्या कर रहे हो आप, गौर से, उसके अंदर हीरो, उसके अंदर हीरो आया और जैसे वो अंदर गया, तो आप भी उसके साथ साथ हो, वो हॉन्टेड प्लेस में, हॉन्टेड प्लेस देखो क्या होता है, हॉन्टेड प्लेस में हीरो घुसा और आप भी उसको एकदम देख रहे हो, ठीक है, गौर से देख रहे हो, वैसे वहां पे हीरो है लेकिन आप भी वहां पे हो और आपको भी डर लग रहा है, एकदम ही वहां से जैसे हीरो अंदर गया तो एकदम ही सांप निकला, तो वो आपको लगा एकदम शॉक हो गया, क्योंकि आप उसको गौर से देख रहे हो, और आगे गया हीरो वहां से एकदम कबूतर निकला, तो वो आपको लगेगा, तो आप इतने उससे जुड़ जाते हो, गौर से देख रहे हो, मतलब गौर से देखने का मतलब क्या होता है, वॉच, क्या होता है, वॉच, तो तुमने कहा मैं टीवी देखूंगा, तो आप सी टीवी नहीं होगा, सी हो सकता है, जैसे मतलब वैसे ही देख रहे, टीवी देखा वहां रखा, ठीक है रखा रहने को, हमें मतलब नहीं है, ये सी होता है, ठीक है, लुक भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे देखा टीवी को, लुक हो जाएगा, लेकिन तुमने टीवी को गौर से देखा या मूवी देखी, आई विल वॉच मूवी, मैं मूवी देखूंगा, अभी टीवी देखूंगा, ठीक है, आई विल वॉच इडियट बॉक्स, तो टीवी को इडियट बॉक्स बोल सकते हो आप, आई विल वॉच इडियट बॉक्स, ठीक है, तुमने कहा मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, और उसके बाद मैं सो जाऊंगा, आई विल स्लीप, ओके, स्लीप तो कह सकते हो, बोल सकते हो गो टू बेड, गो माने जाना बिस्तर पे, मैं जाऊंगा बिस्तर पे, आई विल गो टू बेड, मैंने बोला जुड़ने का टू का बोला, मैं बिस्तर पे जाऊंगा तो आई विल गो टू बेड, यहाँ पे गो टू बेड का मतलब बिस्तर पे जाना तो है, लेकिन यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, गो टू बेड एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है सोना, तो मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप तो कह ही सकते हो आप कह सकते हो आई विल गो टू बेड। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आप उसको विजुलाइज कीजिए भविष्य में बोलने की, तो हमें हिंदी से इंग्लिश नहीं सोचनी है, गा गी ये वाले वाक्य में बिल्कुल प्रयोग होता है गला, अंग्रेज तो कभी गा गी ये से पहचान करके विल नहीं लगाते, वो फ्यूचर का भाव जब भी उनके अंदर आता है वो विल का प्रयोग करते हैं, तो आप सीधा अपने आप को भविष्य में देखो, विजुलाइज कीजिए, इधर देखो, विजुलाइजेशन और ट्रांसलेशन में फर्क है, हमें विजुलाइज करना चीजों को, मैंने कहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैंने बोला तो कोई बंदा है भी ऐसा आपके दिमाग में आते हैं, एक इमेज आती है, मैंने कहा शाहरुख खान, ए कैनन ए, तो शाहरुख खान बोलते ही आपके दिमाग में एक इमेज आती है, ठीक है, मैंने कहा अमेरिका, मैंने अमेरिका बोला तो अमेरिका बोलते पे आपके दिमाग में एकदम डोनाल्ड ट्रंप की या किसी वहां के सेलिब्रिटी की एकदम इमेज बनती है, हाँ है ना, तो यानी कि जो शब्द होते हैं वो आपके दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, तो हमें इमेज का सहारा देना है ना कि हिंदी का, ठीक है, तो आप अपने आप को भविष्य में देखो, मैं उठूँ अपने आप को देखो कि मैं उठ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहां पर काम कर रहा हूँ, ऐसे देखो मैं ऊपर देख रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को विजुलाइज कर रहा हूँ, जो मन में जो आपको दिखाई देता है उसको डायरेक्ट इंग्लिश से बोलने की कोशिश करो, अभी तक आपने हिंदी से ट्रांसलेट किया है, आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी है, विजुलाइज करना है, चीजों को मन से महसूस करो, चीजों को भविष्य में देखो, जो दिखाई देता है मन की आंखों से उसको आप सीधा इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, तो विजुलाइज मन होता है मन की आंखों से दृश्य बना लेना, एक दिमाग में दृश्य बना लेना, उसको विजुलाइज कहते हैं, मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली बोलते आपको दिल्ली की कोई बिल्डिंग दिखाई देगी, या तो रेड फोर्ट दिखाई देता है, या कुछ मैंने कहा संसद भवन में बोलता हूँ तो आपके दिमाग में गोल गोल सा एक बिल्डिंग दिखाई देती है ना, तो बोलने का मतलब होता है दिमाग में चित्र बना लेना, तो आप भी अपने दिमाग में चित्र बनाइए, विजुलाइज कीजिए चीजों को, ठीक है, और जैसे आप विजुलाइज करेंगे तो आपको फ्यूचर में जो भी दिखाई देगा उसको सीधा बोलने की कोशिश करो, हिंदी को बाईपास कर दो, ओके,
मैं बोल बता रहा हूँ, आई विल गेट अप टुमारो एट 7, देन आई विल गेट फ्रेश, देन आई विल गो टू इंस्टीट्यूट, आई विल टीच एट 8:30, एंड आफ्टर दैट आई विल टीच एट 10 o'clock, आई विल टीच एट 12, देन आई विल टेक लंच, एंड देन एट 3 आई विल टीच, एट 4:30 आई विल टीच, एंड देन दैट्स हाउ, देन आई विल गो टू जिम, एंड देन आई विल गो होम, आई विल टेक डिनर, आई विल रेस्ट, आई विल वॉच मूवी, आई विल वॉच गेट बॉक्स, एंड देन आई विल गो टू बेड। तो ये मैंने कैसे बोला, हिंदी से ट्रांसलेशन किया ना, मैंने हिंदी से ट्रांसलेशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट अपने आपको सोचा भविष्य में, और जो मुझे पिक्चर दिखाई दे रही थी उसको डायरेक्ट मैंने इंग्लिश में बोलने की कोशिश की। और हाँ, मैंने एक चीज दिमाग में रखी कि हर बार विल लगा रहा है, कुछ नहीं करना, आई लगाओ विल लगाओ एक्शन लगा दो, आई लगाओ विल लगाओ, और लास्ट में जो भी आपको एक्शन दिखाई दे रहा है मनी मन में, जो विजुलाइज कर पा रहे हो उसको आप एक्शन को लगा दो। कभी कभी आप भटक जाते हो, तो मैंने बता कि लड़ने की इंग्लिश फाइट होती है, तो मैं लड़ूंगा, तो आई विल फाइट, तो आपको पता नहीं, आप बोलो आई विल लड़ूंगा, आई विल खेलूंगा क्रिकेट, इतना तो बोलो आप, ठीक है, खेलने के पहले बाद में पता चल जाएगी, लड़ने की फाइट होती बाद में पता चल जाएगी, फिलहाल चीजों को विजुलाइज करने की कोशिश करो। अगर विजुलाइजेशन कर पाएंगे आप, विजुलाइज कर पाएंगे, तो आप पक्का इंग्लिश बोल पाएंगे, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। सो गाइस, दिस इज द टाइम टू एंड द लेक्चर, एंड आई होप यू गॉट अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड द विजुलाइजेशन। द मोर यू विजुलाइज द थिंग्स, द बेटर आर द चांसेस ऑफ यू स्पीकिंग इन गुड इंग्लिश। टिल द नेक्स्ट सेशन आई से टू यू, गुड बाय।